सत श्री अकाल जनाब, मनदीप जलंधर असील च स्वागत है तुहाडा। यूट्यूब चैनल मनदीप जलंधर असील फेसबुक पेज शौकी असील कुकड़ा दे, वट्सएप नंबर 9855 94 95 60। उम्मीद है सारे वीर भरावां दा शौक वधिया चल रहा होगा, जानवर भी ठीक ठाक होणगे और उम्मीद है भरा भी सारे ठीक ठाक होणगे। अज मैं यार एक गल दसूँगा तुहानू अपनी समझ दे मुताबक, जो मैं समझिया इन्ने चिर दे विच मुरगे रखदे होए। यार एक होंदी क्वालिटी, क्वालिटी च की हुंदा यार, उहदे विच ना तुसीं नोक तो लैके नलियां तक तुसीं बर्ड दी पॉइंट्स देखदे आ, तुसीं नोक तो लैके नली तक बर्ड्स दे पॉइंट्स देखदे आ कि नोक किदां दी है, आइस किदां दे, पल्ले किदां दे है, ठीक है जी, पुछल किदां थल्ले नूं है जां उत्ते नूं है, सारे ठीक है पॉइंट्स देखदे आ। पॉइंट्स विच कई चीज़ां आ जांदियां, ठीक है, वो बाद च डिस्कशन करांगे। जिस तरह कहने क्वालिटी नूं कहिंदे खूबसूरती, खूबसूरती दे विच फिर की हुंदा है, फिर फाइट दे जिहड़े परसेंटेज हुंदी ना, फाइट दी परसेंटेज हुंदी उह घट रहि जांदी है, 70% खूबसूरती और 30% फाइट रहि जांदी है, ठीक है। जिस तरह मुर्गी तुहाडे सामने, ते इह मैं पिंजरे 'च ढक्की है, वैसे तो फुल एक्टिव है, हुण थोड़ी इस तरह खड़ी है ते वीडियो बनाउण वास्ते। हुण इह मुर्गी देखो तुसीं, नोक और नली का रंग एक, आइज़ भी वाइट है दियाँ, ठीक है जी, फुल ढलाई दे विच है, वड्डे पल्लियां दी है, लंबी वेल दी है, ठीक है जी, ठीक है। इनू आपां कह देंगे क्वालिटी, ठीक है जी, ये हो गई क्वालिटी जानवर दी, ठीक है। क्वालिटी मीनस कि फिरदा तुरदा जानवर तुहाडे घर वधिया लगे, सोहना लगे, ठीक है जी, असील होवे, प्रोपर प्रोपर खारिश करदा होवे, प्रोपर असील होवे, ठीक है जनाब। फिर एक चीज़ आ जाती जनाब नॉर्मल, नॉर्मल शौक कहने का मतलब जिद फाइट के पॉइंट ही ज़्यादा होन, क्वालिटी नाल कोई लेना देना नहीं होंदा, ठीक है जी। जिस तरह आ बर्ड है, ये क्वालिटी वाले पॉइंट्स घट ने, फाइट वाले पॉइंट्स ज़्यादा ने, ठीक है जी। और जिदा कि मैनू पता, मैं घर मेरे घर का बर्ड है, मैनू पता ये फाइट के पॉइंट ज़्यादा ने, ठीक है जी। हुण इहदी देखो, इहदी क्वालिटी कुछ नहीं है, दुंब खड़ी है, अख इहदी पीली है, ठीक है जी, लेकिन फाइट के पॉइंट्स ज़्यादा ने, फाइट करवाओगे तो तेज़ लड़ेगी मुर्गी, ठीक है जी, ये सिस्टम है। इस करके दो चीज़ा होंदियाँ, दो चीज़ा कभी इकट्ठिया नहीं हो सकती, कभी तो हर चीज़ 100% नहीं मिल सकती। जे तुसी 100% चीज़ कोई बनाना चाहते हो, कोहिनूर हीरा जिन्हों आप कहने, कोई कोहिनूर हीरा हर बंदे को हुंदा उहदे घर दे विच, ते ओह उहनूं खुद तैयार करना पैंदा, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਰਡਸ ਪਾਲਣੇ ਪਾਲਣਗੇ, ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਰਡਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਰਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗਸ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਵੀਰੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੁੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ 20,000 ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 20,000 ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਹਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਬਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਟ ਲਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਬਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
अपने दिमाग के हिसाब नाल तुसी पहले चलिया करो, तुहानू बर्ड किदां चाहिए फिर किसी बंदे नू अप्रोच करया करो और फिर उस बंदे नाल कोई डील फाइनल करया करो। ठीक है, इस तरह कभी नहीं हुंदा कि 100% हर चीज़ बंदा चकेगा अपने घरों तो तुहानू दे देगा सस्ते भाव दे। ठीक है जी, या तो पूरी कीमत मंगेगा या फिर वो तुहानू गिफ्ट देगा तो या फिर वो देगा ही नहीं। ठीक है जी, तो जे तुसी इधर ही चीज़ कोई तुहाडे माइंड के हिसाब ना कोई चीज़ हैगी है तुसी बनाना चाहते हो, तुहानू अपनी मेहनत के नाल बर्ड्स परचेज कर कर लियाने पैणगे। सारे बर्ड्स नू अपने हिसाब नाल मिक्स करके मिक्सिंग करन तो बाद 4-5 साल 6 साल बाद 10 साल 12-12 15-15 साल भी लग जाते हैं फिर जाके वो चीज़ तुहाडे घर तैयार होएगी। ठीक है मेरे वीर भरा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल में सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है जी, मेरी इन्फॉर्मेशन तुहानू वधिया लगे ठीक है तो एप्रीशिएट करो, तो चैनल नवे देखने वाले जिहड़े वीर ने वो चैनल में सबसक्राइब कर लैन, ते जिहड़े ऑलरेडी सबसक्राइब किया उन्हां दा बहुत बहुत थैंक यू।